उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में संभावित प्रत्याशी फिरोज आलम अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद गुलाम नबी आजाद, मनोज तिवारी, राज बब्बर ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने व जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से उनके विचार जाने। सम्मेलन में टिकट की दावेदारी करने वाले नेता भारी भीड़ लेकर पहुंचे, जिसमें मुरादाबाद लोकसभा से संभावित प्रत्याशी फिरोज आलम उर्फ फारूक भैया भी अपने भारी समर्थकों के साथ सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुरादाबाद की जनता ने उन्हें अपनी दुआओं से नवाजा और वह सांसद बन गए तो वह सांसद बनकर जनता की सेवा करेंगे और हर समय जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें हमारे गुलाम नबी आजाद साहब, हमारे स्टेट के अध्यक्ष जनाब राज बब्बर साहब और हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज ऑल इंडिया के नसीब सिंह जी हैं, यहाँ डॉक्टर संजय सिंह भी मौजूद हैं और जतिन प्रसाद जी भी हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, उनकी समस्याएं जानना, उनको मजबूत करना, और जब लीडर हमारे आते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उसी के लिए सब लोग आए हुए हैं कि उसके विचार सुने, वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी 2019 के लिए उनकी क्या बातें हैं, उनके सुझाव हैं, उसको देखना और उनका मनोबल बढ़ाना। मुरादाबाद का सम्मेलन थोड़ा रुक गया था, बाकी था, पिछली बार थोड़ा सा वो आजाद साहब की कुछ तबीयत खराब हुई थी, वरना पीछे ही हो जाता, और बड़ा कार्यकर्ताओं का जोर था यहाँ सम्मेलन। और आप जिस तरह देख रहे हैं कि आज जिस तरह तादाद है, पूरे जनपद से लोग आए हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, और कितना उत्साह है ये आपको दिखा रहा है कि 2019 की कितनी बड़ी तैयारी है। किस लोकसभा चुनाव में क्या अलायंस करेगी कांग्रेस सपा बसपा से, जिस तरह की अटकलें आ रही हैं? देखिए, हम तो लगातार चाहते हैं, और ये सारा जो सारा मामला है ये हमारे अध्यक्ष जो हैं राहुल जी तय करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता हर तरह से तैयार है कि जो हमारे अध्यक्ष का राहुल जी का आदेश होगा, जो गुलाम नबी साहब और राजब्बर जी का आदेश होगा, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे अकेला लड़ा जाए चाहे गठबंधन से लड़ा जाए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप भी लोकसभा के संभावित प्रत्याशी हैं, तो क्या क्या अपील करना चाहेंगे मुरादाबाद की? दुआ कीजिए साहब आप हमारे लिए, मैं क्योंकि यहीं मुरादाबाद से मेरा ताल्लुक है, पैदाइश यहीं है, रहने वाला यहीं हूँ, तो मैं भी आपकी दुआओं का तालिब हूँ। अगर पार्टी आदेश करती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, और हरदम मैं पार्टी वर्कर्स के बीच में रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में यही है कि आज आप देखें कि पेट्रोल कहां से कहां चला गया है, और जिस तरह से यहां नोटबंदी हुई और उसके बाद जीएसटी हुई, आज व्यापारी वर्ग कितना परेशान है। दिल्ली के अंदर जाके देखिए, त्राई त्राई मची हुई है, दुकानें उनकी सीज कर दी गई, उन्हें दूसरी जगह दिया नहीं जा रहा है, आज छोटा व्यापारी इतना परेशान है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया की भी ये जिम्मेदारी, मीडिया के भाइयों की ये जिम्मेदारी बनती है, ये एक पिलर है मीडिया, हमारे मुल्क का एक चौथा स्तंभ है ये, मैं तो इसे पहला स्तंभ मानता हूँ मीडिया को। आज आप देखिए कि सबसे बड़ी बात जो बीजेपी कर रही है, यहाँ भाइयों से भाइयों को लड़ाने का काम कर रही है, मुल्क को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन किसी भी हालत में ये काम होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुल्क के लोग इसे बाखूबी समझ रहे हैं और इसे जान रहे हैं, और इसका 2019 में जवाब दिया जाएगा।